हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के ऊपर। इस स्टॉक पे इससे पहले भी हम लोगों ने एनालिसिस किया था, एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी भी मिला था, एक बार आपको यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक अच्छा टारगेट भी लिया था। अब जो है स्टॉक में फिर आपको एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिख रहा है। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था जो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आने देते हैं, रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे आ चुका है। और आप यहाँ पे देखिए जो मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ये स्टॉक आपको लास्ट के 2 डेज से कंसोलिडेट कर रहा है। एक अच्छा आपको जो है यहाँ पे 1630 के लेवल पे ये स्टॉक जो है थोड़ा सा रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है। इससे पहले भी यहाँ पे आपको इस प्राइस पे स्टॉक ने रेसिस्टेंस लिया था, सेम उसी लेवल पे आपको फिर से एक रेसिस्टेंस यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक जो है आपको कहीं ना कहीं हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। नीचे में अगर आप देखेंगे तो इमीडिएटली 1600 का एक जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। कोई भी राउंड नंबर लेवल जो है आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करता है। साथ ही साथ ये आपको एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट जोन भी है, जिसको कि हम लोग डायनेमिक सपोर्ट जोन भी बोलते हैं। तो इसलिए जो है एक बेटर प्राइस पे है, जहाँ पे कि हम लोग को एक अच्छा एंट्री मिल सकता है। तो एंट्री हम लोगों का क्या होगा, 1630 के लेवल के ऊपर अगर एक अच्छा बुलिश कैंडल बने या फिर आपको लोअर वीक रिजेक्शन और कुछ इस टाइप का हैमर कैंडल बने तो भी आप एंट्री ले सकते हैं, या अगर एक अच्छा बुलिश कैंडल बन जाए तो फिर तो और भी अच्छी बात है, जो हम लोग यहाँ पे एक अच्छे तरीके से एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, स्टॉप लॉस आपको होने वाला है 1570। ये जो आपका है 1580 का जो है, मैं आपको क्लियरली ड्रॉ करके बता देता हूँ, आपका स्टॉप लॉस होने वाला है ये जो स्विंग लो है, ये जो स्विंग लो है ये आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। 1580 का लेवल जो है आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। इसके नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो आप जो है ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। आपका टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट आपके एंट्री पॉइंट से 100-120 पॉइंट का जो है आपका पहला टारगेट होगा। तो ऑलमोस्ट जो है 1750-1760 के लेवल पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको सारा चीज क्लियर कर दिया, जो यहाँ पे आपको एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो चुका है, एक अपमूव हुआ, अपमूव होने के बाद जो है आपको एक रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है 1630 के लेवल पे। इस 30 पॉइंट के रेंज में आपको लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। नीचे डायनेमिक सपोर्ट है और साथ में ही यहाँ पे आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है 1600 का लेवल। तो अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, कंसोलिडेशन हो चुका है ऑलमोस्ट आपको 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो एक अच्छा लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक को भी आप लोग वॉच लिस्ट में रखिए, और यहाँ पे अगर आपको 1630 के लेवल के ऊपर एक अच्छा एंट्री मिलता है तो आपको वहाँ पे जरूर एंट्री लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस क्लियरली है 1580 का, जो कि आपको रिसेंट स्विंग लो भी है। तो आपको जो है आप लोग लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।